पर शब्बीर बावर्ची साहब मानिस साहब नीरजपुरा में उनके मनासिब रहे जिन्होंने एक दावत पर लगभग कहा और फौरन यहाँ आ गए। बड़ा उनको मशहूर हूँ और स्टेज पे बैठे तमाम ही डिपार्टमेंटल काउंसिल कमेटी के मेंबर जो कमेटी प्यारे बच्चों में ज़्यादा वक्त नहीं होगा कि कमेटी जब तश्कील दी गई तो लोगों के जहन में ख्याल पैदा हुआ कि ये ड्रामे का एक्ट का प्रेसिडेंट स्कूलों में नाटक करता फिरेगा, खाली ड्रामे करेगा। लेकिन अब लोगों के समझ में आ गया कि हम किस मोटो को लेकर चल रहे हैं। हम टीचरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे जो 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 शायर हजरात हैं, जो मुसन्निफ हैं उर्दू के, जिन्होंने उर्दू के लिए काफ़ी काम किया, ऐसे टीचर ऐसे हजरात जो जिन्हें तकलीफों हम भूलते जा रहे हैं और उर्दू का भी जो मामला रहा है इसका भी वैसे कुछ स्कूल खुलने की जो नई स्कूलें हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खुलते जा रही हैं। उर्दू मीडियम की स्कूलें जो हैं वो मैं समझता हूँ भिवंडी में और मालेगांव में जितनी कहीं पर भी नहीं है। तो हमारी तस्वीरी कमेटी ने जो है तौसीफी कमेटी ने जो फैसला किया कि हम ज़्यादातर उर्दू के लिए काम करेंगे, उर्दू को मकसद को लेकर हम काम करेंगे और बच्चों को टीचरों को जो भी ऐसे उनको मोटिवेट करते चलेंगे। और इसके अलावा भी जो भी कल्चरल प्रोग्राम रहेंगे वो भी मियारी रहेंगे। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं होगा, मैं चूँकि रईस हाई स्कूल का प्रोजेक्ट हूँ, मेरे लिए बहुत सारे मतलब वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जो हमारे जो बुजुर्ग हैं जो हमारे दरमियान नहीं, खासकर मैं चचा का नाम लेना इसलिए भी करूँगा कि 20-22 साल पहले जब वो प्रॉपर देखते थे तब भी थे, लेकिन जब उनको नजरों से कम दिखने लगा तो वो कंधे का सहारा लेकर तो मेरे भी कंधे पर थे, वो चेयरमैन कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे। तो उनकी जो मेहनत है मशक्कतें हैं बुजुर्गों की वो आज उनके बाद उनके जो बच्चे हैं जैसे मैं खासकर दला भाई का नाम लूँगा तो उन्होंने उसके बाद जो उनको जिम्मेदारियाँ मिली वो निभा रहे हैं। सोहेल भाई का नाम होगा, ये पहले से ये जो लोग थे हमारे सीनियर थे वही सर सुनते हैं और हमको इनसे बड़ा मोटिवेशन लगा मिला भी और हम उनको फॉलो अप कर रहे हैं, हम उनको उनका पीछा कर रहे हैं जैसे ये हमारे